सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आसबिका हमारे आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से और दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से। अपडेट क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए गाइस वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आज एचआरडी मिनिस्टर ने इंडिया के जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर थे स्टेट वाइज, उन सब के साथ में एक मीटिंग करी थी। उस मीटिंग के अंदर जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका कहना था कि स्टूडेंट्स को इंटरनल असाइनमेंट, मतलब जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स थे उनके बेस पे बचे हुए एग्जाम के मार्क्स देकर प्रमोट कर दे। मतलब क्लास 10th और 12th के जो एग्जाम रहे हुए हैं वो एग्जाम अब वापस ना करवाए, जो इंटरनल मार्क्स है मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स है उसके बेस पे आपको प्रमोट कर दे। तो इस बात का सभी एजुकेशन मिनिस्टर ने काफ़ी समर्थन दिया। एचआरडी ने भी बात मानी कि अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं है। एचआरडी मिनिस्टर ने भी एजुकेशन मिनिस्टर को यही बात कही कि हम आपकी बात का पूरा समर्थन करते हैं। और एचआरडी ने भी यही बात बोली है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th और 12th के जिनके बोर्ड एग्जाम रहे हुए हैं, उनको इंटरनल बेस पे, इंटरनल असाइनमेंट मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स के बेस पे प्रमोट किया जाएगा। ये न्यूज़ गाइज आपको आज तक न्यूज़ चैनल पे भी मिल जाएगी, इंडिया न्यूज़ पे भी मिल जाएगी, जितने भी न्यूज़ चैनल है या उनकी वेबसाइट पे आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। अभी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने ये बात बताई है। काफ़ी अच्छा डिसीजन लगा मेरे को। अब जो स्टूडेंट को टेंशन थी मन के अंदर, वो टेंशन भी कम हो गई है। और जो रोज़ाना आपको वीडियो सर्च करनी पड़ती थी यूट्यूब पे, अब आपको वीडियो भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब पेपर हो गए, पेपर हो गया नहीं हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गया है। आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो गाइज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स साथ शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। और गाइज आपको डिसीजन कैसा लगा, अच्छा डिसीजन लगा या खराब डिसीजन लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी घर पर रहो और सेफ रहो।